a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play, 'cause you never feel this way. Community at large ko jo pandemic anxiety hui hai, pandemic stress hua hai, pandemic oriented depression hua hai, एक सेंस ऑफ स्नेल है, डेसोलेशन है, कायूसी है, नाकामी है, लॉस ऑफ कंट्रोल है, बेजारो मददगार है जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हालात है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स और रीजंस ड्यू टू विच वी आर गोइंग थ्रू सच स्टेट्स. और वो क्यों हो रही है कि पहले तो ये है कि हम लोग हमेशा से बचपन से हमें सिखाया जाता है, वी आर मेड कंडीशन थ्रू आर रेयरिंग प्रैक्टिसेस कि हमें चीजों को डोमिनेट करना है, उनके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करनी है, कंट्रोलिंग रहना है. हमने अपनी जिंदगी को स्ट्रक्चर करना है, डिसिप्लिन करना है, परफेक्शनिस्टिक टेंस पे रहना है. तो ये जो टू मच ओवर पावरिंग इन टू आर लोकल सर्कमस्टेंसेज आर इन आर पर्सनल लाइफ सर्कमस्टेंसेज में जो कंट्रोलिंग का फिनोमेना है ना, होल्डिंग का फिनोमेना, इसने हमारे रिलेशनशिप्स भी खा लिए हैं, इसने हमारे पर्सनल माइंड स्टेट्स को भी खा के रख छोड़ा है. वी टॉक अबाउट पेंडेमिक एंग्जाइटी, पेंडेमिक डिप्रेशन, पेंडेमिक ओरिएंटेड लोनलीनेस, बट वी फॉरगेट दैट दीज आर द मूड स्टेट्स दैट वर ऑलरेडी existing in our community at large. ये King Edward की ही एक research है जो आपको बताती है कि 62% of the youth population, Dr. Rafia की अपनी research है psychiatric trends के ऊपर कि हमारी youth में क्या trends पाए जाते हैं, तो clinically significant anxiety, depression and stress were already existing as the co-created state even before the befalling of this COVID attack. तो अब हम ब्लेम गेम बस खेलना शुरू हो गए हैं, ये कहते हैं कि कोविड की वजह से ये सारी माइंड स्टेट्स आई हैं, उसकी वजह से नहीं आई है. दीस माइंड स्टेट्स आर ऑलरेडी अकरिंग. हाँ, ये हो गया है दैट दे हैव बीन इंटेंसिफाइड, दे हैव बीन परपेचुएटेड, नॉर्मलाइज्ड होके. और चूंकि हम फारिग अभी हुए हैं, फारिग होने का मतलब ये है कि हमने अपनी वजूद के लिए वक्त निकाला है, या हमें एक बेसिक सिंपलिस्टिक लाइफ की तरफ हम इंक्लाइन हो गए हैं, तो हमें इन तमाम चीजों की अवेयरनेस, फोकसिंग और सेंसिटाइजेशन अभी आ रही है. हमें लग रहा है कि एंग्जाइटी अब हुई है, डिप्रेशन अब हुआ है, स्ट्रेस अब हुआ है, हाइपरस्टिमुलेशन अभी हुई है, स्टेट ऑफ फियर, स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, डेस्टिट्यूट, डिस्मेयर, डेस्परेशन, हेल्पलेसनेस, ये चीजें अब आई हैं हमारे अंदर. बट दिस इज रॉन्ग. ये तो वो तमाम पैटर्न्स हैं जो कि हमारी 53-63% नॉर्मल पॉपुलेशन में पहले से मौजूद थे. इसके आने के बाद सिर्फ इतना हुआ है कि हम लोग उससे अवेयर हो गए, हमारी इंसाइट डेवलप हो गई है कि हमारे अंदर मौजूद है चीजें और अपने चांस मौजूद है. यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिलो, सेव, कमेंट और लाइक. थैंक यू.